नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चले बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। एसएसपी मुनिराज के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बन्ना देवी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बन्ना देवी पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चार गाड़ियां व कई अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। दरअसल थाना बन्ना इलाके के सूत मिल पर चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि शातिर चोर मिराज और अजय टीवीएस शोरूम के पास है। प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी मैफोर्स मौके पर पहुंचे और दोनों को दबोच लिया। वही पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से पुलिस को दो आयशर कैंटर, एक स्विफ्ट डिजायर, एक टाटा इंडिगो के साथ कई उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी राघविंदर सिंह ने बताया कि मेराज और दीपक शातिर चोर हैं, जिन पर कई अलग अलग थानों में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। ये लोग गाड़ियों को चुराकर उनके इंजन व चेसिस नंबर को बदलकर बेच देते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से दो आयशर कैंटर, एक स्विफ्ट डिजायर, एक इंडिगो कार के साथ गाड़ियों को बदलने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ये बन्ना देवी थाना क्षेत्र के तहत एक पुलिस के द्वारा गुड वर्क किया गया है। एक आईएसआर कैंटर यहां से चोरी हुआ था एक सप्ताह पूर्व लगभग, उसी की तलाश और तहकीकात पुलिस के द्वारा की जा रही थी। तो पुलिस को सूचना मिली और उनकी सुराग रसी पता रसी के आधार पर उन्होंने बरामदगी की है। दो मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, दो कैंटर बरामद हुए हैं। एक हमारा बन्ना देवी से चोरी गया था और दूसरा जो चोरी गया था वो अमरोहा का है। दो कारें बरामद हुई हैं, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार है, एक टाटा इंडिगो है। स्विफ्ट डिजायर जो है वो दिल्ली की कार है और टाटा इंडिगो को भी ट्रेस नहीं किया सका, उसकी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। उसके अलावा इनसे बरामदगी में एक डीसी ग्राइंडर मिला है, जिससे ये लोग इंजन चेसिस नंबर घिसने का काम करते थे। रेग माल मिला है, हथौड़ा, टूल किट इत्यादि मिला है। अंग्रेजी में नंबर गोदने वाले एक डिब्बी मिली है, जिससे ये लोग नंबर प्लेट इत्यादि चेंज करने का भी काम करते थे। और गाड़ी का लॉक तोड़ने का एक टीनुमा लोहे का संयंत्र भी मिला, ये मिला है। और जो दो क्रिमिनल जो अभियुक्त हैं वो मेराज उर्फ नेता जी, ये निवासी सराय रहमान के हैं, लेकिन वर्तमान में सिविल लाइन अलीगढ़ में रह रहा है। इसके ऊपर टोटल 9 मुकदमे हैं। और अजय कुमार पुत्र मान सिंह, ये एका थाना पड़ता है जनपद फिरोजाबाद में, और हाल निवासी जो हैं ये अनूप शहर जिला बुलंदशहर में एक जगह किराए पर रह रहा है। इसके ऊपर टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस टीम उपनिरीक्षक सुनील कुमार, उपनिरीक्षक सिद्धार्थ कुमार इनके द्वारा और उनके जो हमराही हैं उनके द्वारा इनको पकड़ने का बरामदगी का बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय बोड़ी इलाके के रहुआ ग्राम पंचायत के मछुआ जगरहन पुरवा निवासी 30 वर्षीय सालिक राम चार दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिवारजन ने युवक के अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई थी। शनिवार को युवक का शव गांव से काफी दूर तालाब में मिला है। युवक का शव मिलने से परिवारजन में कोहराम मच गया। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना के खात्मे के लिए महोबा के जिले अस्पताल कबराई और जेतपुर में टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। आज महोबा जिला अस्पताल में सीएमओ की देखरेख में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एके पुरवार को कोरोना का पहला टीका लगाया गया है। टीकाकरण की शुरुआत में डीएम सतेंद्र कुमार, एसपी अरुण श्रीवास्तव और बीजेपी विधायक ब्रजेश्वर राजपूत मौजूद रहे। कल महोबा में 3,080 वैक्सीन डोज की पहली खेप बांदा से महोबा पुलिस की निगरानी में पहुंची हुई थी। यहीं से आज सुबह वैक्सीन को कोल्ड चेन युक्त मेन से पुलिस की सुरक्षा में सीएससी कबराई और सीएससी जेतपुर भेजा गया है। जिला अस्पताल के साथ ही सीएससी कबराई व जेतपुर में 100-100 हेल्थ वर्करों का टीकाकरण हो रहा है। प्रदेश के भांति महोबा में भी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तालियां बजाकर खुशी जताई। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की नजर में होगी। वैक्सीनेशन के बाद कर्मचारियों को आधा घंटा तक निगरानी कक्ष में रखने के बाद घर भेजा जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन जिले के अंदर 300 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, जिनमें हेल्थ वर्कर के बाद पुलिस विभाग, बुजुर्ग एवं जिन्हें कोरोना पीड़ित होने की ज्यादा संभावना है उनका टीकाकरण किया जाएगा। वहीं पहला टीका लगवाने के बाद डॉक्टर ए के पुरवार ने बताया कि मुझे कोविड का टीका लगवाने के बाद किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। टीका लगने से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अब मुझे लगता है कि मैं कोरोना के खिलाफ और तेजी से लड़ सकता हूं। ऐसी ही उपलब्धियों के
भाई और बहनों, मैं बिहार में भैया पीछे थोड़ा सा मुझे महोबा जिले में पहला टीका लगा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब कोरोना के खिलाफ और तेज़ी से लड़ सकता हूं। हम लोग पहले से ही लड़ रहे थे लेकिन अब मुझे ये लगता है कि मैं और तेज़ी से लड़ सकता हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अभी लगभग 17-18 मिनट मुझे गुजर चुके हैं और मैंने टीका लगाए हुए, मुझे कोई समस्या अभी तक नहीं है। देखिए जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन लगना है उसके कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है और ये पूरे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में है। अपने जनपद महोबा में 300 लोगों के वैक्सीनेशन पहले दिन में होना है, जिसके लिए कि 3 सेकेंड साइट जो है वो तैयार किए गए हैं। इसमें एक हमारा ज़िला अस्पताल है, एक कबरई CHC पे है और एक हमारा जयपुर CHC पे है। तीनों ही जगहों पे जो व्यवस्थाएं शासन द्वारा तय किए गए हैं कि वहाँ पे एक हमारा पहले वेटिंग रूम होना चाहिए, फिर वैक्सीनेशन रूम होना चाहिए और फिर ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्थाएँ तय की गई हैं यहाँ पर भी। और ये जो पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, जो कुछ भी नियम और कायदे इसमें तय किए गए हैं, सभी चीज़ों के अनुसार ही कहा जाएगा। सर, पहले किन लोगों को लगना है ये वैक्सीन और फिर किस तरीके से आगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले चरण में हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं जो कोरोना से लगातार फ्रंट में जूझते रहे हैं, आप सब लोगों के सबसे प्रथम चरण में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होना है। उसके बाद जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो पुलिस के हों या होमगार्ड के हों या राजस्व विभाग के लोग हों जो कोरोना के दौरान लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, उन लोगों की लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो हमारे जन सामान्य के लोग हैं, उसमें भी ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको कोरोना होने की संभावना ज़्यादा होती है, उन लोगों को और चरण में लिया जाएगा और उसके बाद फिर अन्य लोगों को लिया जाएगा। आज का जो अभी माइक्रो प्लान बना है उसमें 3 सेशन साइट्स हैं जैसा कि मैंने पहले बताया और आगे के लिए जैसे जैसे गाइडलाइन। खबर उन्नाव से है जहां कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से गजब का उत्साह देखने को मिला है। महिला डॉक्टर ने वैक्सीनेशन का हाल को रंगोली व फ्लावर पॉट से सजाया है। वहीं जिले में वैक्सीनेशन से पहले स्वास्थ्य कर्मियों को सदर विधायक पंकज गुप्ता, DM उन्नाव रविंद्र कुमार ने सम्मानित किया है। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत में पहला टीका जिले में SC MO डॉक्टर गौतम को लगाया गया। आपको बता दें कि उन्नाव में जिला अस्पताल पुरुष महिला, जिला अस्पताल सरस्वती मेडिकल कॉलेज नवागंज, PHC बंगर मरू समेत 5 स्थानों पर आज 500 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। इसके साथ ही महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला अस्पताल पुरुष व महिला जिला अस्पताल में वैक्सीन सेंटर पर रंगोली बनाकर व फ्लावर पॉट से सजाकर वैक्सीन लगाने पहुंचने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया है। वहीं उन्नाव से BJP सदर विधायक पंकज गुप्ता, DM उन्नाव रविंद्र कुमार ने वैक्सीनेशन करवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को फूल देकर सम्मानित किया। DM उन्नाव रविंद्र कुमार ने बताया कि पहले चरण में आज 5 जगहों पर टीका लगाया जा रहा है। हम लोग हेल्थ वर्कर्स को टीका लगवाने से पहले सम्मानित भी कर रहे हैं। बढ़िया हो गया, थैंक यू भैया। Yeah.
मैं डॉक्टर तौसीफ हुसैन रिजवी, यहाँ पर महिला चिकित्सालय में पैथोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ। आज आपने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी तरीके की कोई परेशानी मेरे को नहीं आई सामने। टीका लगने के आधे घंटे तक की ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है और ऑब्जर्वेशन में 30 मिनट हो चुके हैं मेरे को, अभी तक की मेरे को कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं महसूस कर रहा। लगवाने के पहले आपको कैसा महसूस हो रहा था जब लगवाने गए? सही देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में हमारे जनपद में 5 जगह वैक्सीन लगने के लिए चुना गया है। एक जिला अस्पताल में पुरुष और महिला, और इसके अलावा नवाबगंज, बांगरमऊ और सरस्वती मेडिकल कॉलेज में। हम लोग यहाँ सभी केंद्रों पे इसकी तैयारियाँ पूर्ण हो गई हैं शासन के निर्देशों के क्रम में। पहले जो 100 व्यक्ति कोविन पोर्टल से रेंडमली चुने जाएंगे उनका आज टीकाकरण होना है, और हमने अपने तरफ से जितनी भी तैयारियां थी सब पूरा किया है। कोविड से संबंधित हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।